हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी योर ब्लॉग एंड इट्स रिएक्शन टाइम। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, एमसी स्टैन, यस, आपकी एक और डिमांड पूरी करते हुए एमसी स्टैन का लेटेस्ट सॉन्ग जो था शाना बन मतलब एक्चुअली मुंबई का पुणे का वाला टच हो। एग्जैक्टली हम बताए थे, हम लोग काफी टाइम तक पुणे में रहे हैं और हमारा पुणे से एक ऐसा दिल का नाता है। ऑब्वियसली इसका पूरा काम पूरा पुणे में रहा। मैं ऑफिस वगैरह से पुणे में रहा। ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग घर आ गए हैं उज्जैन में, बट पुणे नहीं छूटने वाला। बॉस, पुणे नहीं छूटने वाला। तो जब हमें पता चला कि ये भी पुणे के है तो हमने कहा चलो ये कॉमन चीज तो है, तो बहुत सुनना बनता है भाई। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, ऐसा पता तो चला है। अभी हम लोग पहली बार इनको रिएक्ट कर रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। सॉन्ग है वो शाना बन, हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ नाम भेजा था, हमें नहीं पता गाना कौन सा रिएक्ट करना है, तुमने कहा लेटेस्ट पे करके देखते हैं, तो अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होगी डू कमेंट देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शाबाश, वेरी गुड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब गाइस, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी याओ, तेको मालूम ना शुरुआत किधर से होती है? इधर से याओ। पीछा पहले आईफोन तक मित्र मंडल बीच में पहले गाना दे रहा, फिर बोल रहा दोस्त है मेरा, मेरे फैंस तेरे से शार्प इससे कुछ नहीं बोल रहा। तू दस टाइम इंस्टा पे लाइव जाके नाम ले रहा, इसलिए रिप्लाई में गाला खा रहा और गाला दे रहा। सन का नाम ले रहा, फिर चल रहा घर तेरा, तेरी खुद के पैसा नहीं है बोलता दोस्त है मेरा। तू आउटी लौड़े तेको समझेगा नहीं साउंड मेरा, दूसरे के घर पे गान दे रहा, आई मीन ध्यान दे रहा। तू कॉपी कर रहा मेरे को यार स्टाइल मेरा, तू बोल रहा इंस्पिरेशन लिया इसलिए जान दे रहा। तू वो लड़की के लिए मम्मा जान दे रहा, कौन भी फोटो काट के बोल रहा स्टैंड दोस्त है मेरा। तू थोड़ी बड़े कर रहे, बड़े के लिए पैसे दे रहा, रेसिपी के रैप कर रहा ना अपने ज्ञान दे रहा। शाना सोले की माँ की चुत में पैर मेरा, वो नहीं ये दोस्त है मेरा, कौन बोला वो दोस्त है मेरा। मेरे नाते वो की गांड जलती, मेरी अम्मी बोलती रात छोड़ तेरे पैर पड़ती। मैंने कहा था किसके घर का वो भी सही बोलती, मैं नहीं लेता किसका सुन के छिनल पोक करती। मेरे बारे में फेक रही मस्त फैलाने का काम करती, मैं स्टोरी नहीं डालता पटेल फिर भी रोज न्यूज बनती। मेरे नाम पे व्यूज आते इसलिए पब्लिक और करती, एक दिन तेको पकड़ेगा और मार के बोलेगा बोल जल्दी। मेरी पब्लिक हक से फुल मेरे को प्यार करती, इंटरनेट पे बचते बच्चन मिलने बोले तो गांड फटती। तेरा तगड़ा नहीं है मैं मेरे को काई को कॉल करती, शान के बारे में बोलने को पब्लिक तेको चार्ज करती। प्यार वाले अच्छे रहते अपनी पब्लिक ध्यान करती, मेरे को फर्क पड़ता नहीं पर अपने वालों की गांड जलती। मेरी बहन को पूछना एक बार बाहर जाके वो क्या करती, मेरी आइटम जॉब बोल के मेरे यहाँ पे काम करती। शाना बन शिमड़े बच्चे लोग को जल्दी शाना कर, तेरे को धमकी आई थी मेरे साथ में गाना कर गाना कर, को मालूम किधर छुपाई लेने काला धन माला बन। इसको शाना कर भाई पाओ, इसको जल्दी शाना कर, अगर मरने का है तेरे को तो फिर ज्यादा कर। ये दो नंबर के काम छोड़ और मेरे साथ में काम कर। झाट्याचा शाना बन करता बन, तेरी बहन को तू मामा बन मामा बन। गाड़ जाऊ न खातो माझं नावर, मेरे साथ में दोस्ती करने के बाद शाळा कर एड उसके कानावर। अगर अच्छी रहेंगी लड़की तो फिर शादी कर, न्यूज बन रहा काई को लेकिन मेरी मादी पर, कंट्रोवर्सी चालू दिन रात मेरी मादी पर। तुला लावणार बघ एक दुशी पालगन, लय आई जाऊ तो भाव माझा मॅनेजर, मेरे को पहले से नहीं भरोसा था वाड्यावर। नहीं करता मैं भाई कभी केमिकल, तेको बिना टोपी के बनेगा डांसर, ये सब फ्रॉड मादा कर रही थी को कैंसल। मेरे हुड के चोर सब बनना चाहते रैपर, मेरे को देख के लोग बन गए रैपर। तेको खुशी होंगी एक दिन मेरे को टैग कर, ये सब रैपर का घूम रहे ले बाइक पर, एंचे टार टूर होती जाओ ये तो मी माइक वर। माझा एक मित्र होता गायकवाड, तुल कैटी बाय दिख रहे ले आजकल, मेरे बाता तू सोचेगा रात भर, मेरे गाने तू साइफर में पार्ट कर, उसके बाद ममड़ा मेरे साथ में जात कर। तेरे लौड़े जल्दी शाना बन, मेरे शिमड़े बच्चे लोग को जल्दी शाना कर। तेरे को धमकी आई थी मेरे साथ में गाना कर गाना, मेरे को मालूम किधर छुपाई लेने काला धन माला बन। इसको शाना कर भाई पाओ, इसको जल्दी शाना कर, अगर मरने का है तेरे को तो फिर ज्यादा कर। ये दो नंबर के काम छोड़ और मेरे साथ में काम कर। चले लौड़े जल्दी शाना बन, ए शिमड़े बच्चे लोग को जल्दी शाना कर। तेरे को धमकी आई थी मेरे साथ में गाना कर, मेरे को मालूम किधर छुपाई लेने काला धन माला बन। ए रॉय इसको शाना कर भाई पाओ, इसको जल्दी शाना कर, अगर मरने का है तेरे को तो फिर ज्यादा कर। ये दो नंबर के काम छोड़ और मेरे साथ में काम कर। मालूम किधर से क्या किधर से नहीं, सेम बीच वैसे के वैसा लंड के बाल वैसे घर पे जान बिचाम बेबी। ओ क्या बोल दी कंपनी आ गए ले गणपति, मेरी पब्लिक फुल ये ना आरबी चुमा होमी सनसनी, सब मर गए ले मैंने खंडनी। ओ नाइस शाना बन काफी कुछ बढ़िया था यार, काफी कुछ अलग था। पुणे का टेस्ट काफी था, पुणे का टेस्ट काफी मराठी वर्ड्स थे। मुंबई का मित्र है, मित्र है गायकवाड़। और उसके बाद जैसे गर्लफ्रेंड का नाम बोला था, गर्लफ्रेंड को मराठी में मदी 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 मदी। और भी बहुत सारे वर्ड थे। एक्चुअली हम भी महाराष्ट्रियन हैं, बट एग्जैक्टली बताऊं तो बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो नहीं समझ में आया मुझको। काफी वर्ड ऐसे थे जो मैंने सिर्फ पुणे में सुने हैं, मतलब उसका ओरिजिनल मीनिंग्स नहीं पता, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्रियंस हैं। लेकिन हाँ नहीं, मतलब हम लोग एक्चुअली एमपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी महाराष्ट्र मराठी में क्या है ना, थोड़ा हिंदी टच ज्यादा है। और ये महाराष्ट्र मतलब मराठी में काफी इन्होंने ऐसे टिपिकल वर्ड यूज किए थे। तो जैसे नातेवाईक भी आया इसमें, नातेवाईक को बताना था, ये तो समझाएंगे डिस के लिए। हां, क्योंकि इसमें एक वर्ड भी आया था कंट्रोवर्सी। तो एक्चुअली फुलॉन मैनेजर है, कंट्रोवर्सी गर्लफ्रेंड तो होगा, मतलब हमें कुछ आईडिया नहीं है। बट हां, मुझे सबसे अच्छी पता है क्या लगी, हां वीडियो की अगर अच्छी बात करें, मतलब मुझे एक और गाना सुनने का मन किया सबसे पहली। ये बात बहुत सही कही है। और मुझे जो जो मुझे इतना मन कर रहा था एक्चुअली पॉज करके वो चीज फिर से सुनने का, पर आप लोगों ने कमेंट किया था प्लीज मत करो, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, नहीं करते हैं। नहीं वैसे सही बात है, कभी कभी क्या होता है लिंक टूट जाती है, लोग अब सुनते हैं तो लिंक टूट जाती है। बहुत सही है। हमारा क्या हो जाता है ना, हमको सुनते-सुनते ऐसा लगता है ओ भाई क्या सही लाइन है, क्या सही लाइन है, रुक जाओ वापस सुनना चाहिए, पर वही हो जाता है। आप कमेंट करके बताओ हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा तो बहुत मन था कि वहां पे पॉज करूं, जैसे कुछ लाइंस बहुत अच्छी थी जो वापस पीछे करके हम सुनना चाह रहे थे। अब वो क्या हो जाता है कि उस टाइम पे हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं कुछ बोलने के लिए, बट वो क्या होता है जब पॉज नहीं करते हैं तो वो माइंड से निकल जाती है, और एंड टाइम पे वापस याद नहीं आती है। सो कभी-कभार वो मिस भी हो जाता है। खैर, वीडियो के बारे में बात करते हैं तो वीडियो का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, फोटोग्राफी जो पूरा वीडियो शूट किया हुआ बहुत अच्छा लगा, एडिटिंग मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल की लगा मुझे ये वीडियो पूरा डायरेक्शनली। और उसके बाद ड्रेसिंग सेंस लुकअप, वो ब्लू वाला भाई फुल ऑन ब्लू, मतलब शर्ट पैंट और शूज और गले की चेन, सांप लगा हुआ था उसमें। बेहतरीन यार, बेहतरीन, बहुत सही था वो। बहुत ही ज्यादा तो एंड जैसे कुछ वर्ड्स थे। अब हम अगर आप चाहो तो एक बार फिर से सुन के मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि है ना इतने वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। तो जो हमसे कुछ मिस हो गया तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि क्या क्या वर्ड्स ऐसे मराठी के थे जो यूजुअली यूज नहीं किए जाते हैं, जो कि इसमें MC Stan ने गाने में यूज किए हैं। तो क्या हमें भी काफी कुछ और नॉलेज मिलेगी। सो कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर आप चाहते हैं MC Stan के ऊपर हम और रिएक्शन दें तो उसका कौन सा गाना और अच्छा है जो हम लोग और सुन सकते हैं, अगर आपके पास कोई ब्रेकडाउन्स हो जो और लिरिकली हमको और समझाएं तो प्लीज गाइड अस, तो हम लोग और उसको समझ के आपके पास लेके आएंगे। आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा सीखने के लिए। तो क्या कहते हैं भाई लोग, MC Stan के लिए शाना बन। Thank you so much guys for watching us. Stay tuned and Funky Your Blog. Lots of love. Bye bye.